झगड़े कितने जरूरी है? झगड़े बिल्कुल जरूरी है। अगर आपके बीच में क्लैशेस नहीं होंगे, मैं एक बात कहती हूँ कि अगर आप किसी इंसान को चाहते हो तो आप ये सोचो कि आपकी जिंदगी में वो इंसान सिर्फ प्यार देने के लिए नहीं आया है, आपको उसकी उदासी भी झेलनी है, आपको उसका गुस्सा भी झेलना है, आपको उसके एक्साइटमेंट भी देखनी है, आपको उसका हर इमोशन भी साथ निभाना है। तो अगर वो अपने मन की बात आपसे नहीं करेगा, वो आपसे नहीं झगड़ेगा, तो किससे झगड़ेगा? पड़ोसी से। फिर आप कहोगे कि मेरे को टाइम नहीं देता, मेरे साथ एक्सप्रेस नहीं करता, मेरे में से क्या कमी है जो मेरे से बात नहीं कर पाते हैं। आपने वो गैप लाया है कि वो इंसान आपसे झगड़ भी नहीं पा रहा है। आप झगड़ते उसी से हो जिसको आप अपना मानते हो, आप अपना हक उसी से जताते हो जो आपका अपना होता है। अगर आप किसी इंसान से झगड़ नहीं रहे हो, तो कहते हो कि शिकायतें वही होती हैं जहाँ इंसान पर भरोसा होता है। अगर आपकी शिकायतें खत्म हो गई है तो समझो रिश्ता भी खत्म हो चुका है। क्या बात? आपको एक रिश्ते में तीसरे इंसान की जरूरत ही क्या है? वो रिश्ता आप दोनों का था, वो फैसला आप दोनों का था कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे, एक दूसरे को प्यार करोगे। उस रिश्ते में आने वाली तकलीफें भी सिर्फ आप दोनों की होंगी। अगर आप एक रिश्ते में किसी तीसरे इंसान की जरूरत महसूस कर रहे हैं तो वो रिश्ता है ही नहीं। बेटों के लिए क्या है? बेटा बड़ा होगा, नौकरी करेगा, हमारी जिम्मेदारी उठाएगा और कमा के लाएगा। बेटियों को कभी नहीं बोला जाता कि तुम्हें हमारे घर की जिम्मेदारी उठानी है। उनके पास ऑप्शंस होते हैं कि भाई शादी के बाद नौकरी करनी है नहीं करनी, तुम्हारी मर्जी, घर वाले कराए ना कराए। बेटों के पास ये ऑप्शन नहीं होता। बेटों को ये बोला जाता है अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी, कोई लड़की नहीं मिलेगी। तो बीवी को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, पढ़ाना भी है, पूरे दिन मेहनत करनी है, पूरे दिन। और आप लास्ट में आके ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि यार मैं थक गया हूँ। प्यार हमेशा एक तरफा होता है। सच में? हाँ। आओ। आपने कभी माँ का प्यार देखा है? आप जितना देखते हैं कि माँ आपके लिए अपनी जिंदगी दे रही है, सुबह उठती है, खाना बनाती है, आपके लिए लॉन्ड्री करती है, आपके लिए चीज़ों को मैनेज करती है, आपका आपकी पूरी जिंदगी मैनेज करती है। फ्रॉम द टाइम जब आप उनके पेट में थे, शी वॉज प्रेगनेंट, टू द टाइम टिल नाउ, उन्होंने कितना किया है, कितनी रातें जाग के निकाली है। A lot. लेकिन क्या आपको लगता है कि जब उनको हमारी जरूरत होगी तब आप उतना उनके लिए खड़े रह पाओगे? Maybe we'll try our best, but नहीं हो पाएंगे।